हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सी समर वेयर कॉटन ड्रेस। सो सबसे पहले आज मैं आपको इसकी सलवार की कटिंग बोल बताती हूँ, जिसे अफगानी सलवार भी कहा जाता है। तो यहाँ मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, प्लेन कॉटन फैब्रिक। ये मेरा 2 मीटर का फैब्रिक है, जिसमें कि मैंने 1.5 मीटर कट करके अलग कर लिया है, और बचे हुए फैब्रिक को हमने यहाँ पर इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। बंद वाली साइड हमारी अपनी और है, तो मुझे टोटल लेंथ 38 इंचज़ का बनाना है। उसी अकॉर्डिंग के लिए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखिए कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर पे तो हमारी इलास्टिक लगने वाली है, इसलिए हम 1 इंच मार्जिन रखते हुए पूरे में मार्क कर ले रहे हैं। लेंथ आपको देखिए यहाँ पे 36 इंचज का है, नीचे 2 इंच का हमारा पट्टी लगेगा, तो वो 38 इंचज का हो जाएगा। मुझे टोटल लेंथ 38 इंचज ही रखनी है। अब हमें आसन के लिए यहाँ पे मार्किंग करनी है 12 इंचज पर, और इसे हम इस वाले स्केल की हेल्प से मिला लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो मैं आपको बता दूँ किस तरह से हमें मिलाना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे लाइन को इस तरह से सीधा करके यहाँ पे लाइन को मिला सकते हैं। बस यहाँ पर नीचे साइड में हमारे कर्व करना है, और चलिए आप नीचे की साइड की मार्किंग करेंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब हम नीचे की साइड की मार्किंग करेंगे। तो नीचे के लिए हमें आपको जितनी यहाँ पे मार्किंग रखनी है यहाँ पे मार्क कर ले। तो मैं यहाँ पे 13 इंचज ही रख रही हूँ, मुझे ज़्यादा घेर नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, और इसे भी हम इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे हल्का सा और कप में दे देती हूँ इस तरह से। तो ये सिंपल सा हमारा अफगानी का मार्किंग हो गया है सलवार का। तो मैंने इसे कट कर लिया है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोनों उल्टे साइड को बाहर की साइड पे रखना है, और इस तरह से हम दोनों साइड्स को बैठा लेंगे। दोनों सीधी साइड हमारी अंदर की साइड है, और इसे हम इस तरह से सिल लेंगे। तो दोनों आसन को हमने यहाँ पे सिल लिया है। अब हमें नीचे की साइड पर चूनटें बैठानी है। तो इस तरह से मैं एक सुई की हेल्प से इस तरह से चून बैठाने वाली हूँ, जो मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से इसे बैठाना है। बहुत ही अच्छी तरीके से इससे आपका चून बैठता है। तो इस तरह से हम मैंने पूरे में चून बैठा लेना है, और मुझे इसकी तैयार लंबाई लगभग 12 इंचेस का रखना है। तो इस तरह से हमने इसे सिल लिया है, अच्छे से चून बैठा लिया है, और ये देखिए 12 इंचेस ही आ रहा है। दोनों साइड्स को इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब इसके लिए हमने पट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ देखिए मैंने 2 पट्टी ली हुई है, कट कर लिए दोनों साइड्स के लिए, और इसकी टोटल लंबाई 4.5 इंचज़ है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, और अब इसे हम कुछ इस तरह से बढ़ा करके सिलेंगे उल्टे साइड पे। अभी तो इसे हमने सीधे साइड को पहले ऊपर रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें ये उल्टा वाला साइड इस तरह से रखना है, और इसे सही तरीके से हम बैठा करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो एंड में हम कट कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से खोल लेंगे, और ऊपर की साइड में हमें ये बकरम लगानी है। तो इस तरह से हमें बकरम को बैठाना है, और इसे हम फोल्ड करेंगे। जो हमने सिलाई की थी उसी पे हमें ये सिलाई बैठा करके ऊपर साइड से एक और स्टिच करना होगा। दूसरे वाले जो चून हमने बैठाई है दूसरे पैर के लिए, उसे भी हमें इसी तरह से तैयार करना होगा। और अब हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें इसे इस तरह से बैठाते हुए उल्टे साइड पे अच्छे से और पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ हमने इसे पूरे में सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब कमर पे हमारी पट्टी ऐड करनी है। तो पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे सेम इसके
मापी की एक और पट्टी कट करनी है जिसकी लेंथ हमने 2 इंचेस की रखनी है और कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चौड़ाई हमें रखनी है। तो ये मेरा 2 पीस है इसलिए दोनों साइड्स को हम स्टिच करके इसको तैयार कर लेंगे। तो दोनों साइड्स को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे हम अपने पैजामे के अंदर इस तरह से इसे पहले सीधा कर लेंगे हम और हमें इसे दोनों सिलाई को इस तरह से मिलाते हुए अंदर की ओर डाल लेनी है और गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ हमने इसे सिल लिया है, अब हम इसे सीधा कर लेंगे और अंदर की ओर इस तरह से बैठाएंगे हम, ठीक है। और बैठा करके हम इसे इस तरह से सिलेंगे, बट हमें थोड़ा सा मार्जिन रखना है क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो हमने मार्जिन रखते हुए इसे सिल लिया है। अब ये अपने कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इलास्टिक ले लें, मतलब आपकी जितनी कमर है आप 4 इंच इसमें माइनस कर लें और इलास्टिक ले लें और इसे आप पिन के हेल्प से अंदर की ओर डाल लें। दोनों साइड पे मैं मार्क लगा ले रही हूँ ताकि इसमें सीधा करने के बाद हम इसे इस तरह से बैठा करके सिल सकें। तो चलिए इसे हम इस तरह से डाल लेंगे। तो देखिए दोनों साइड्स को हमने निकाल लिया है, अब इसे एक पे एक रख के सिल लेंगे और जो हमने मार्जिन रखा था उसे भी हमने यहाँ पे सिल के तैयार कर लिया है। इस तरह के सलवार जो है वो समर में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और स्टाइलिश लुक भी देती है। आप इसे एक टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हो, कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हो। सो मैं ये जो हाई लुक पैटर्न की कुर्ती बनाई हूँ इसकी जो स्टिचिंग है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।